कश्मीर की सुंदरता को जब भी निहारता हूँ मैं अपने दिल को उतनी ही बार हारता हूँ। जन्नत क्या होती है ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर मैं कश्मीर की सुंदरता को ही जन्नत पुकारता हूँ। हाँ जी, तो कश्मीर ट्रिप प्लान करना ना थोड़ा ट्रिकी है। हम लोग श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे थे, जिसके बाद हमने स्टे श्रीनगर हाउस बोट में ही किया। अब मसला ये होता है कि श्रीनगर से सारे डेस्टिनेशन जो है ना वो सब उल्टे सीधे डायरेक्शन में है। पहलगाम जो है वो श्रीनगर से 90 किलोमीटर साउथ साइड में है, गुलमर्ग जो है वो करीब 50 किलोमीटर वेस्ट में है, और सोनमर्ग करीब 80 किलोमीटर ईस्ट साइड में है। सो अगर आप श्रीनगर को ही अपना सेंटर पॉइंट लेके चलेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। अब ये तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया आपको कि कश्मीर का ट्रिप प्लान कैसे करें। कश्मीर की पूरी खूबसूरती अब आगे दिखाते हैं आपको वीडियो में। तो जी, एयरपोर्ट से टैक्सी करके हम आ गए हैं इस घाट पे जहाँ ये शिकारा हमें हमारे हाउस बोट तक ले जाएगी। हम अपने हाउस बोट पे तो आ गए हैं, और आते ही सबसे पहले हमने लंच के लिए बोल दिया है। अंकल जी जा रहे हैं अपनी बोट में बैठ के हमारे लिए लंच लेने। तब तक हम आपको हाउस बोट का टूर करा देते हैं। और ये इस तरीके से यहाँ रूम्स बने हुए हैं, छोटी सी गैलरी बनी हुई है, तीन रूम है यहाँ पे। ये फर्स्ट वाला रूम जो है ये हमने लिया है फर्स्ट रूम। इस टाइप में कुछ ये रूम है। तो इस तरीके के जो है हाउस बोट में इनमें रूम्स बनाए हुए हैं। एक रूम जो मैंने आपको दिखाया था वो है, एक रूम यहाँ पर है, ये वाला एक और रूम, रूम नंबर टू, और ये जो है ये एक मास्टर बेडरूम टाइप है आप कह सकते हैं। बाकी के जो दो रूम्स हैं उनसे थोड़ा सा ये बड़ा है। बाकी सब कुछ मोर ऑर लेस सेम है, ऊपर डिज़ाइन भी सेम है, बस इसका जो कारपेट एरिया है, जो साइज़ है इसका बेडरूम का, ये थोड़ा सा बड़ा है। ये इसका वॉशरूम है, पीछे बाथटब, तो ये जो हमने हाउस बोट नैरोबी जो की है ये हमारी निगीन लेक में है। डल लेक का भी ऑप्शन है आपके पास, बट मैंने डल लेक में बहुत सर्च किया था। डल लेक में क्या इशू है, भीड़ भड़ा का बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा क्राउडी प्लेस है। निगीन लेक जो है उसके कंपेरिजन में बहुत काम एंड पीसफुल, बहुत शांत है निगीन लेक। अगर आपको शांति पसंद है, भीड़ भड़ाके से दूर आप अगर रहना चाहते हैं तो निगीन लेक आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। और एक जो चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यहाँ पे, खुशबू जो है हाउस बोट में पूरे में, क्योंकि पूरा लकड़ी से बनी हुई है ये, तो जिस लकड़ी से बनी उसकी खुशबू इतनी अच्छी खुशबू आ रही है जैसे पूरे हाउस बोट में जैसे डीओ लगाया हुआ है। तो ये हमारा लंच आ रहा है अभी, लंच मंगाया था हमने, अंकल जी शिकारा में लेके आ रहे हैं। शिकारा में वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ दूर कहीं का घर है, शिकारा लेक क्रॉस करके वहाँ से बना के फिर शिकारा में, यहाँ से निगीन लेक में, और ये अब हमारे हाउस बोट में लेकर आ रहे हैं यहाँ पे।
तो जी लंच करके थोड़ी देर अपने रूम में आराम करने के बाद शाम के टाइम जब हम बाहर आके बैठे तो कश्मीर की वाइब हमारे दिलो दिमाग पर पूरी तरह चढ़ चुकी थी। और ऐसे हाँ जी, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इतनी सर्द रात के अंधेरे में हम अपनी हाउस बोट छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि पास के रेस्टोरेंट से हमने खाना ऑर्डर किया था और यहाँ स्विगी या जोमैटो तो आपके हाउस बोट तक आ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको शिकारा में बैठ के खुद ही जाना पड़ेगा शिकार पे, यानी कि अपना ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए। अगली सुबह हम श्रीनगर में अपनी हाउस बोट से चेकआउट करके निकल पड़े पहलगाम के लिए। खूबसूरत नज़ारों के अलावा पहलगाम अपने एप्पल ऑर्चर्ड्स के लिए भी बहुत फेमस है। सेब के इन्हीं बागों में से एक पर हम भी रुके एंड वी ट्राइड दिस डिलीशियस एप्पल जूस हियर। और बस फिर कुछ ही देर के ड्राइव के बाद हम पहुंच गए पहलगाम में अपने होटल पे, ओसवाल कॉटेज। तो श्रीनगर से 2 घंटे ड्राइव करके हम पहलगाम 12 बजे अपने होटल पहुंच गए थे एंड वी स्टिल हैड एम्पल ऑफ टाइम लेफ्ट इन द डे। सो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हमने सोचा कि चंदनवाड़ी होके आ जाते हैं। वैसे बेताब वैली तो हम कल जाएंगे, लेकिन चंदनवाड़ी के ही रास्ते में एक जगह आएगी जहां से आप बेताब वैली का ये पैनोरमिक व्यू ले सकते हैं। पहलगाम को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल निकनेम जो है वो है वैली ऑफ शेफर्ड्स। जब आप यहाँ इतनी सारी भेड़ यहाँ के बड़े बड़े मेडोज में घास खाते हुए देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि ये नाम इसे कहाँ से मिला। तो जी चंदनवारी वो जगह है जहां से हिंदुओं की पवित्र श्री अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। ज्यादा कुछ खास तो हमें यहाँ लगा नहीं, सो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो यहाँ आना स्किप कर सकते हैं आप, क्योंकि ऐसे नजारों की कश्मीर में कोई कमी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पहलगाम। तो कल जब हम लोग श्रीनगर से पहलगाम आए थे तो शाम के टाइम पे हम चंदनवाड़ी गए थे, विच इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ से श्री अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है। ज़्यादा कुछ खास है नहीं वहाँ पे, मुझे तो कोई अच्छा लगा नहीं, बस वो एक घाटी है वहाँ से रिवर जा रही है नीचे, लैंडस्केप है थोड़ा सा। और आज जो है हम लोग बेताब वैली और आरू वैली जा रहे हैं। तो कल जब हम लोग यहाँ पर आए थे अपने होटल में तो सामने के जो पहाड़ हैं वो नेकेड थे बिल्कुल, और रात को जो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, स्नोफॉल भी हुआ है, तो दूर के पहाड़ों में बिल्कुल स्नो हो गई, बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ हो गए हैं। तो बर्फ़बारी या स्टार्ट हो चुकी है अभी अक्टूबर के मंथ में जो ऊपर की एरिया है, तो ये आप हॉर्स राइड भी यहाँ पर कर सकते हैं। बार्गेन करिएगा, बहुत ज़्यादा प्राइसेस ये लोग बताते हैं, 1500-2000 के करीब, लेकिन आई थिंक 500 रुपये में आपको ये लोग हॉर्स राइड करा देंगे, तो बार्गेनिंग करिएगा जितना कम में आप लोग सेटलमेंट पर आते हैं। तो चलिए फिर अब हम भी निकलते हैं, डे टू की शुरुआत करते हैं अपनी, पहलगाम को एक्सप्लोर करते हैं और बेताब वैली और आरू वैली आज हम लोग देखते हैं। अगर आपको कश्मीर की असली खूबसूरती देखनी हो तो आप आरू वैली जरूर आइए,
ये ऑफबीट जगह श्रीनगर और गुलमर्ग जैसी फेमस ना हो, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आरू वैली की खूबसूरती को और भी ज्यादा करीब से देखने के लिए आपको हॉर्स राइड लेनी होगी। इन घोड़ों पर बैठे हुए काफी बार ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको लगेगा कि अब तो बस गिरे, लेकिन डरिए मत, इन घोड़ों को अपने ऊपर बैठे हुए गधों से ज्यादा खुद की टेंशन होती है। हाँ जी, तो करीब आधे घंटे की हॉर्स राइड करके 20 रुपए की एंट्री टिकट लेके और उसके बाद करीब 10 मिनट पैदल चलने के बाद हम पहुंचे यहाँ। तो जी, हम लोग अभी आरू वैली में आ चुके हैं, विच इज वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट्स इन पहलगाम। एक बहुत बड़ा सा मेडो है, पोनी ये जो राइड लेके हम लोग आए हैं हॉर्स के ऊपर, 20-25 मिनट लगता है एक साइड का, और यहाँ पे आके एक पिकनिक स्पॉट है, आप अपना खाना ला सकते हैं, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करिए, खाना खा सकते हैं फैमिली के साथ। अच्छा है, देखिए पूरा का पूरा बहुत बड़ा मेडो है। बाकी आसपास में अगर आप थोड़ा विंटर्स के आसपास आ रहे हैं तो आसपास के माउंटेन जो है इस पर पूरी स्नो पीक रहेंगी सारी की सारी। तो विंटर्स में जो पूरा का पूरा आरू वैली है, ये मेडोज जो हैं पूरी बर्फ़ जम जाती है यहाँ पर, इसलिए विंटर्स में बताने की बंद कर देते हैं। तो आप समर्स में या फिर अक्टूबर नवंबर के मौसम तक यहाँ पर आ सकते हैं, उसके बाद तो बंद ही कर देते हैं इसको स्नो की वजह। तो जी, आरू वैली के बाद हम आ गए हैं बेताब वैली, और यहाँ पार्किंग में गाड़ियों की भीड़ देख के आप बता ही सकते हैं कि पूरे पहलगाम में सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट कौन सी होगी। सनी देओल की डेब्यू मूवी बेताब की शूटिंग यहाँ हुई थी, और इसके बाद ही इसका नाम बेताब वैली पड़ गया। तो जी, आरू वैली के बाद अब हम लोग बेताब वैली में आ गए हैं। पीर पंजाल और जंस्कार हिमालयन रेंज जो है उसके बीच में वैली सिचुएटेड है। बाकी जो आप हॉर्स राइड यहाँ पे कर सकते हैं, पीछे एक वाटरफॉल है, हॉर्स राइड पे अगर आप जाएंगे तो नदी के बीचों बीच आपको वाटरफॉल तक लेके जाएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। 100 रुपीज़ की यहाँ पर एंट्री टिकट है पर पर्सन, और सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये खुला रहता है। बाकी अगर किड्स हैं आपके साथ, बच्चे हैं, तो झूले भी हैं यहाँ पर, बच्चे तो यहाँ पे मतलब एंजॉय करने वाले हैं एकदम। काफ़ी अच्छा आपका यहाँ पे टाइम स्पेंड होगा, पिकनिक के लिए भी आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं मतलब। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ब्यूटिफुल पहलगाम। ये हमारा सेकेंड डे है पहलगाम में। कल हम लोगों ने बेताब वैली और आरू वैली, चंदनवाड़ी सब कुछ घूमा था जो यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट है, और आज हम लोग पहलगाम से जा रहे हैं दोबारा श्रीनगर के लिए। एंड इट्स अ ब्यूटिफुल वेदर यहाँ पर, ब्राइट सनशाइन, चटक धूप निकली हुई है बिल्कुल, और वेदर ऐसा है कि आप दिन के टाइम में टी शर्ट में भी घूम सकते हो और रात को आपको जैकेट कैरी करनी पड़ेगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा वेरी करता है यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ, जहाँ ओसवाल कॉटेज में हम लोग रुके थे जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से चेकआउट करते हैं और चलते हैं अब श्रीनगर की तरफ। पहलगाम से श्रीनगर जाते वक्त करीब 1 घंटे बाद हम पहुंचे पंपोर। आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका नाम ना सुना हो, पर ये वही जगह है जहाँ वर्ल्ड फेमस कश्मीरी केसर उगता है, और नूर मोहम्मद भट्ट जी की दुकान से कुछ कश्मीरी केसर और गुलकंद हमने भी ले लिया।
देखिए कश्मीर में 4 दिन हो गए थे हमें, लेकिन एक अच्छा कहवा अभी तक नहीं पिया था, लेकिन पंपोर के इस कहवे ने हमारी सारी शिकायतें दूर कर दी। श्रीनगर पहुंचते हुए हमें शाम हो गई थी और एक चीज जो हमने अब तक अपनी कश्मीर ट्रिप में नहीं की थी वो थी शिकारा राइड इन द फेमस डल लेक। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। हमारा लास्ट डे है ये श्रीनगर में और आज हम लोग गुलमर्ग जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर से। और ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं ये हमने एयरबीएनबी की प्रॉपर्टी यहाँ पे ली हुई है। सुपर कंफर्टेबल, बिल्कुल घर वाला माहौल है। अगर आपको श्रीनगर में रहना है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ बुकिंग करवाएं तो मेरी रिकमेंडेशन पे ये प्रॉपर्टी आप बुक कर लीजिए आँख बंद करके, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। देखिए मैं मानता हूँ कि गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द बेस्ट विंटर डेस्टिनेशंस, बट उसके अलावा गुलमर्ग में कुछ भी नहीं है। एक गोंडोला राइड जरूर होती है लेकिन वो भी हम नहीं कर पाए, लेकिन पास में खड़े 2-4 सज्जन से बात करने पर पता चला कि 10-12 किलोमीटर दूर एक जगह है जहाँ जाके आप अपने दिल को थोड़ा दिलासा जरूर दे सकते हैं। अब गोंडोला राइड क्यों नहीं कर पाए और उसके बाद हम कहाँ गए ये आगे आप खुद सुन लीजिए। तो जी अभी हम लोग बूटा पथरी नाम की जगह पर आ गए हैं गुलमर्ग में। जहाँ पर हम लोग रुके थे वहाँ गोंडोला राइड तो नहीं कर पाए क्योंकि सोल्ड आउट हो चुकी थी टिकट्स और ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने सोचा कि बूटा पथरी चलते हैं। गुलमर्ग जो है उससे 10-12 किलोमीटर आगे है बूटा पथरी। यहाँ पर आने के लिए आपको पुलिस परमिशन लेनी पड़ती है क्योंकि पूरा आर्मी एरिया है, मिलिट्राइज एरिया है, तो पुलिस परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। आर्मी की एक चेक पोस्ट होगी, वहाँ पर आपको परमिशन दिखानी पड़ेगी और उसके बाद आप यहाँ पर बूटा पथरी में आ सकते हैं। ज़्यादा टूरिस्ट जो गुलमर्ग आते हैं वो यहाँ आते नहीं है तो थोड़ा सा भीड़ भड़ा का काम है। तो जी यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमें चाय पीने का मन किया, लेकिन इसके टेस्ट के बारे में ज्यादा बात ना ही करें तो बेहतर होगा। बाकी का बचा हुआ टाइम हमने इस वाटर स्ट्रीम के पास बैठ के गुजारा। बूटा पथरी से निकल के हम पहुंचे द्रंग वाटरफॉल। शुरुआत में तो वाटर फ्लो थोड़ा कम था बट थोड़ी देर बाद ये वाकई देखने लायक हो गया था। द्रंग वाटरफॉल को देखने का मजा जो है वो विंटर्स में है व्हेन इट गेट्स कम्प्लीटली फ्रोजन। तो हमारा कश्मीर ट्रिप तो यहीं खत्म होता है। हमने होटल आकर इसे सेलिब्रेट भी किया, आखिर इतनी सारी यादें जो लेकर जा रहे थे, बिकॉज इन द एंड व्हाट रिमेन्स इज मेमोरीज। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it.